नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक मास की पूर्णिमा तिथि को धनदायक और शुभ माना जाता है, लेकिन साल की कुछ खास पूर्णिमा तिथियों को सबसे शुभ और समृद्धशाली माना जाता है। पुराणों में पूर्णिमा का दिन बेहद पवित्र माना जाता है। इस दिन तामसिक चीजों का सेवन ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्लेश कला से बचकर रहें, किसी को अपशब्द ना बोलें। इस दिन द्वार पर आए याचक को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। इस दिन चावल का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे चंद्र ग्रह से संबंधित दोष दूर हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको एक सरल और प्रभावशाली उपाय बताएंगे कि पर करने से आपके भाग्य के द्वार खुल जाएंगे, बरसों की निर्धनता दूर हो जाएगी, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी आपके ऊपर असीम कृपा बरसाएंगे, धन धान्य सुख समृद्धि से आपकी झोली भर देंगे। दोस्तों, अक्सर हम नमक की बातें करते रहते हैं, क्योंकि जितना हमारे सामान्य जीवन में नमक का महत्व है, उससे कहीं ज्यादा नमक ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण होता है। नमक के जीवन में विभिन्न उपयोग किए जा सकते हैं, चाहे वो फिजिकल हो या फिर अपने ज्योतिष को सुधारने के लिए हो या भोजन में हो। हर प्रकार से नमक हमारे जीवन में उपयुक्त होता है और साथ ही साथ नमक हमारी आयु भी बढ़ाता है, नमक हमारी आयु घटाता भी है। नमक के बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे अद्भुत से उपाय बताएंगे जिनको आप जानकर बहुत ज्यादा हैरान रह सकते हैं। कई प्रकार के नमक होते हैं। सेंधा नमक, जिसे पहाड़ी नमक कहा जाता है, समुद्री नमक होते हैं, काला नमक, सफेद वाला नॉर्मल नमक, और इस नमक को इस्तेमाल करके विभिन्न तरीके से हम अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। कहते हैं, अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो समुद्री या सामान्य नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आप रक्तचाप की समस्या से भी, यानी कि ब्लड प्रेशर की समस्या से भी बचे रहेंगे। घर के किसी भी कोने में हमेशा शीशे के बर्तन में नमक भर करके आपको रखना चाहिए। किसी भी कोने में रखिए, इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहेगा। जिस तरह से आपके मोबाइल की जो रेंज होती है, वो आपके घर में घूमती रहती है, इसी तरह से नमक की किरणें भी आपके घर में घूमकर आपके घर से सारी नेगेटिविटी को दूर करेगी। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के बुरे विचार पैदा हो रहे हो, डर पैदा हो रहा हो, तो इसका भी निवारण नमक रखने से होता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमक को वैसे हम चंद्रमा और शुक्र का प्रतिनिधि मानते हैं। चंद्र मतलब मन का कारक और शुक्र हुआ लग्जरी का कारक, लेकिन कहीं कहीं पर इसे राहु का प्रतीक भी माना जाता है, और इसीलिए नमक को आपको कैसे रखना चाहिए यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या करते हैं हम कि किसी भी डिब्बे में या मसाले के डिब्बे में नमक रख देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि स्टील के डिब्बे में, लोहे के बर्तन में नमक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये चंद्र और शनि का मिलन होता है, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है, आपके घर पर दुर्भाग्य लेकर आ सकता है, रोग और शोक का कारण बन सकता है। इसलिए हमेशा शीशे के प्याले में नमक भरकर आपको घर में रखना चाहिए, शीशी की डब्बी में रखना चाहिए, और बाथरूम में, स्नान घर में भी। ऐसे आप नमक अगर शीशी की प्याली में भरकर रखते हैं, तो इससे भी आपके घर के वास्तु दोष दूर होते हैं, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, और साथ में वैसे भी शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो घर में जो सूक्ष्म कीटाणु होते हैं, यानी जो आंखों से दिखाई नहीं देते बैक्टीरिया, उन कीट कीटाणुओं का नाश होता है। दोस्तों, टॉयलेट में कांच के बाउल में क्रिस्टल सॉल्ट, यानी कि दरदरा नमक आपको भर कर रखना।
चाहिए और हर 15 दिन बाद आपको बदल देना चाहिए। पहले वाला जो नमक है वो आप टॉयलेट के सिंक में फ्लश कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ये नहीं कर सकते तो आजकल रॉक साल्ट लेक भी आते हैं। आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि के लिए रॉक साल्ट लैंप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने पर ये बुरा असर नहीं देता और सीधे सीधे आपको किसी इंसान के हाथ में ये नहीं देना चाहिए। आप कभी भी किसी को नमक परोसते भी हैं, तो चमचा लेकर के जाइए, उसे आपको थोड़ा सा नमक देना चाहिए, हाथ में नहीं देना चाहिए। ये भी आपका भाग्य, आपका चंद्रमा दूसरे को देता है। आपके अंदर डिप्रेशन आपके अंदर और भी तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है। नमक का पैकेट भी नहीं देना चाहिए। ये नहीं कि नमक का पैकेट है, चलो दे दो, आप रख दीजिए नीचे की ले लो। हाथ से हाथ में नमक नहीं देना चाहिए। इससे कहते हैं कि मनुष्य के संबंध भी खराब होते हैं। दोस्तों, नमक हमारे घर की सुरक्षा करता है, सिर्फ अंदर नहीं। अगर आप चाहें तो घर के मुख्य द्वार पर डली वाला जो नमक होता है, काला नमक, वो लाल रंग के कपड़े में बांध देना चाहिए। अगर आपके घर पर बहुत सारे शनि दोष है, राहु के दोष है, केतु के दोष है और आपको लगता है कि घर पर किसी ने कुछ किया धरा है, किसी ने बांध दिया है, नकारात्मक शक्तियां घर पर ज्यादा है, कहीं कहीं पर भूत प्रेत की बाधा भी कहते हैं, बुरी शक्तियां होती है, वो प्रवेश कर जाती है, ऐसे में आपको घर के मुख्य द्वार पर काला नमक बांधना चाहिए। लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार से इसे लटका करके रखें। आप देखेंगे किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियां हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं। कोई अगर आपके आमने सामने ऐसा घर है जो आपको लगता है आपके घर पर नजर डालते रहते हैं, तो वो नकारात्मक शक्तियां आपके घर पर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। डली वाला काला नमक तो ऐसे भी धन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। दुकान के मेन गेट पर भी आप इसे टांग सकते हैं। अगर आपकी कोई शॉप वगैरह है, ऑफिशियल प्लेस है, आसपास जैसे कोई इंस्टीट्यूट होते हैं, उसमें ये लगता है कि अरे बाजू वाले हमारे ऊपर देखते रहते हैं या चलती नहीं है, तो ऐसे में आपको ये नमक टांग देना चाहिए। तिजोरी के ऊपर भी लटका सकते हैं। इससे भी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होने लगती है। दोस्तों, नमक को जब आप रखते हैं तो उसमें 4-5 लौंग भी डाल दें। इसे भी कहते हैं, अगर आप धन के लिए करना चाहते हैं तो धन की आवक शुरू होने लगती है। घर में पैसे की अगर बरकत नहीं होती है तो पैसे की बरकत होने लगती है। नमक खराब नहीं होता है, जल्दी सुगंध बनी रहती है और ये घर में धन का प्रभाव लेकर के आता है। एक और छोटा सा उपाय हम बताते हैं कि कांच के गिलास में पानी और नमक मिलाकर घर के नेत्र कोण में रख सकते हैं और उसके पीछे आप लाल रंग का एक बल्ब जला सकते हैं। अगर आप रोड साइड लैंप यूज नहीं करना चाहते हैं तो ये उपाय कर सकते हैं, और जब भी पानी सूख जाए तो उस गिलास को साफ करके दोबारा नमक मिला पानी आपको भर देना है। जो पुराना नमक बच जाएगा उसको आपको वॉशरूम में फ्लश कर देना है। हमेशा हम बताते हैं कि पोछे के पानी में नमक मिलाना चाहिए। सभी लोग कहते हैं कि दरिद्रता अगर घर से दूर करनी है, कम से कम हफ्ते में एक बार आपको नमक का पोछा घर में जरूर लगाना चाहिए। पानी में थोड़ा सा साबुत खड़ा नमक, जो समुद्री नमक होता है, वो नहीं हो तो नॉर्मल नमक मिला सकते हैं, वो मिला करके आपको पोछा लगाना चाहिए। सिर्फ गुरुवार यानी थर्सडे के दिन आपको ये काम नहीं करना चाहिए, बाकी दिन कीजिए और इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा हो जाती है। दोस्तों, नमक को बरसों से प्राचीन काल से बच्चे की नजर उतारने के लिए काम में लिया जाता है। एक चुटकी नमक, कहते हैं
उतारकर पानी में बहा दो या नमक राई 7 दाने राई के साथ लाल मिर्च लेकर 7 नमक की डली लेकर के उसे बच्चे के ऊपर से या जिस भी व्यक्ति के ऊपर लगता है कि किसी ने कुछ किया धराया है या नजर दोष हुआ है, किसी की कुछ बुरी नजर लग गई है, तो 7 बार इसको घुमा लेना चाहिए। फिर देसी आम की लकड़ी हो या गैस हो या कोई भी लकड़ी के ऊपर आपको इसको जला देना चाहिए। और जब भी नज़र उतारने के लिए आप वारी फेरी करते हैं तो आपको बाएं हाथ का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। अगर आप ज्यादा असर चाहते हैं कि जल्दी बच्चे की नज़र उतर जाए या बड़े को भी नज़र लगी है, तो उसको उतारने के लिए आपको बाएं हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए। एक चीज नज़र उतारते समय हमेशा ध्यान रखें कि जब भी किसी की नज़र उतर रहे हैं तो एक तो वो अपने से बड़े उम्र का व्यक्ति हो उसको ही नज़र उतारनी चाहिए, और अगर छोटी उम्र का भी है तो उसके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी होनी चाहिए, भगवान से जुड़ा हुआ होना चाहिए, अध्यात्म उसमें बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हाई लेवल पर होना चाहिए। तभी अपने से छोटी उम्र के लोगों से आप नजर उतरवा सकते हैं। अगर किसी बच्चे को ऐसी भी नजर लग गई है तो आप सूखी लाल मिर्च ले सकते हैं, राई और प्याज के छिलके आप इसके साथ ले सकते हैं, नमक के साथ साथ, और इन सभी चीजों को जो गाय के जलते हुए उपले होते हैं या जलते हुए कोयले होते हैं, गोबर के कंडे या अग्नि पर कहीं पर भी घुमा करके 7 बार आप रख सकते हैं, और फिर सभी चीजों को जलता हुआ घर के बाहर फेंक देना चाहिए। जलता हुआ ध्यान रखिए, बहुत सावधानी से करें, थोड़ा डेंजरस उपाय है, और आग के बुझने के साथ साथ ही आपके ऊपर की नजर का प्रभाव भी आप देखेंगे कम होने लगता है। ऐसे अगर आप कुछ भी नहीं कर सक रहे हैं तो आप एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक ले लीजिए और अपने सिर के ऊपर से 3 बार उल्टी दिशा में उतार दे और ऐसे ही दरवाजे के बाहर फेंक दे। लेकिन ये वाला उपाय हम कम प्रीफर करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि नमक में पाव नहीं लगना चाहिए, हमेशा पानी में उसे बहा देना चाहिए या जला देना चाहिए 3 दिन तक लगातार। फिर भी आप चाहे तो इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर बहुत अच्छा होगा कि 3 दिन तक लगातार शौचालय में अपने ऊपर से 3 बार वार कर आप नमक को वॉशरूम में ही फ्लश कर दें। आपके लिए ये सबसे बेस्ट उपाय हो सकता है। हफ्ते में कम से कम 1 बार नमक डाल करके खासकर सोमवार के दिन बच्चों को नहलाना जरूर चाहिए, खासकर एलर्जी संबंधी। ऐसे भी साइंटिफिकली ये अच्छा होता है, एलर्जी संबंधी बीमारियां नहीं होती है। और नहीं तो आप अगर डिप्रेशन में ज्यादा है, टेंशन ज्यादा है, नींद कम आती है, तो आप रात के समय सोते समय एक चुटकी नमक पानी में मिलाकर हाथ पैर अगर धोते हैं तो इससे भी मन का तनाव दूर होता है, नींद अच्छी आती है। दोस्तों, नमक से ये उपाय भी कर सकते हैं। मन में खिन्नता, भय और चिंता होने पर दोनों हाथों में साबुत नमक भर के थोड़ी देर आप खड़े रहें, अपने वॉशरूम में ही चले जाएं या किचन में ये उपाय करें। जहां भी वॉश बेसिन है वहां पर दोनों हाथों में मुट्ठी भर के नमक ले लीजिए। अगर लाइफ में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, आप बहुत हारे हुए महसूस कर रहे हैं, सब कुछ समझ के बाहर है, मन कर रहा है जैसे कुछ कर लूं, आज ही कुछ कर लूं, हर तरफ से हार महसूस हो रही है, तो एक बार इस उपाय को करके देखें। दोनों हाथों में नमक लेकर के मुट्ठी बना लीजिए और ओम ओम आपको 27 बार बोलना है, और फिर उस नमक को आप अपने वॉश बेसिन में दोनों हाथों को खोलकर पानी में बहा दीजिए। ध्यान रखें इधर उधर नमक को नहीं फेंके, इससे मन को बहुत ही शांति मिलेगी, अध्यात्म की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा, साथ ही साथ आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका बहुत बड़ा बोझ उस नमक के साथ आपके शरीर से निकलकर पानी में बह चुका है। दोस्तों, अगर आप नमक के जल से स्नान करते हैं तो शरीर शुद्ध होता है, साथ ही साथ मन की बेचैनी भी शांत होती है। पति और पत्नी किसी भी बात को लेकर अनबन करते हैं,
बात बात पर रोग क्लेश होता है, मानसिक अशांति होती है, तो भी सेंधा नमक या खड़े नमक का एक टुकड़ा आपको अपने बेडरूम में एक कोने में रखना चाहिए। इससे आप दोनों के बीच की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। एक महीने तक इसे रहने दें, उसके बाद ये टुकड़ा फेंक दीजिए, फ्लश कर दीजिए, फिर आप दूसरा टुकड़ा ले सकते हैं। आप चाहे तो सोते समय अपने सिरहाने भी नमक रख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि हमेशा सिरहाना आपको पूरब में यानी कि ईस्ट में रखना चाहिए या साउथ में, और फिर अपने बेड के साइड में जहां पे जगह हो वहां पर सेंधा नमक एक कटोरी में, कांच की कटोरी में रखें। इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों, नमक बहुत ही अचंभित करने वाली चीज है, बहुत ही फायदेजनक चीज है। जहां भोजन बेस्वाद लगता है, नमक के बिना वही जिंदगी भी बेस्वाद है। नमक के बिना तो थोड़ा सा स्पाइस नमक डालिए और थोड़े से मसाले अपने जीवन में डालिए और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी खुशनुमा होती है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेज बेल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।